तो चलिए बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर, मिस यूक्रेन नहीं रही वेनोरिका। टिमोशेंको ने कहा हमें और हथियार दें, बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। मिस यूक्रेन रही वेनोरिका, टिमोशेंको ने दुनिया से मदद मांगी है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, और हथियार की जरूरत है, दुनिया से मदद मांगी है मिस यूक्रेन ने। मिस यूक्रेन रह चुकी हैं वेरोनिका डिडोशेंको, जिन्होंने कहा कि हमें और हथियार चाहिए इस जंग में, हमें और अभी लड़ने के लिए हथियार की आवश्यकता है। लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति भी ये बात कह रहे हैं पश्चिमी देशों से मदद की गुहार, केवल इसीलिए कि हमें हथियार चाहिए, हमें ये जंग का मैदान छोड़कर नहीं भागना है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, मिस यूक्रेन रही वेरोनिका ने यह कहा कि हमें और हथियारों की जरूरत है। वेरोनिका का यह कहना कि और हथियार हमें चाहिए, लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति भी ये बात कह रहे हैं। हमें और हथियार दें, क्योंकि लगातार पश्चिमी देश जिस तरह से मदद कर रहे हैं, चाहे हम बात करें अमेरिका की, ब्रिटेन की, तमाम देश जो यूक्रेन तक हथियार पहुंचा रहे हैं। तो चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, अब तक 20 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया। बड़ी खबर, 20 लाख वो संख्या, और ये कहा जा रहा है रिपोर्ट में कि 40 लाख लोग के करीब यूक्रेन छोड़ सकते हैं। अब तक 20 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया, सबसे ज्यादा लोग पहुंचे पोलैंड में, उसके बाद रूस में, अन्य आसपास के जो देश है वहां पर लोगों के जाने का सिलसिला जारी है। ये पलायन की तस्वीर आप देखिए, जब सीज फायर का ऐलान किया जा रहा है तो लोग इस तरह से वहां से निकल रहे हैं लगातार। उनका ये कहना कि अब यूक्रेन में हम अब नहीं रहेंगे, लेकिन ये भी कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट हमारे कि जब यूक्रेन में हालात सही हो जाएंगे तो ये दोबारा लौटकर यूक्रेन ही आएंगे, जहां पर इनका घर है, जहां पर इनका आशियाना है। लेकिन ये संख्या 20 लाख की बजाय 40 लाख पहुंच सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन में हालात बन रहे हैं, अगर वाकई में ये सिलसिला जारी रहा तो आने वाला दिन वो दूर नहीं जब पिछले 100 सालों में सबसे बड़ा पलायन इसे कहा जा रहा है।